सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस यार, ये वाली ड्राइंग मैंने एक दो दिन पहले बनाई थी। प्रैक्टिस कर रहा था, शेडिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। तो इस तरीके से मैं रेगुलर प्रैक्टिस करता रहता हूँ। अगर आपने मुझे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे आप जाके फॉलो कर लेना, जहाँ पे मैं एक्टिव होता हूँ, रेगुलर पोस्ट अपलोड करता हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि यूट्यूब को मैंने बेसिकली ट्यूटोरियल के लिए बनाया हुआ था, जहाँ पे मैं डिटेल में आपको चीज़ें समझाता हूँ। तो हर एक प्रैक्टिस वर्क का डिटेल ट्यूटोरियल बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। जो अच्छी लगती है मुझे, जिसमें लगता है कि यार ये इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने वाली हैं, तो उसका मैं ट्यूटोरियल बना देता हूँ। बट आप क्विक टिप्स वगैरह देखना चाहते हो कि किस तरीके से मैं बनाता हूँ, मेरा टेक्निक जानना चाहते हो, तो आपको फेसबुक पे मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा मैं एक्टिव होता हूँ वहाँ पे, लगभग 2 वीडियो डेली अपलोड करता हूँ। तो वहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। अगर वो इसी चीज़ को डिटेल में सीखना है तो वीडियो पूरा देख लो। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आउटलाइनिंग से स्टार्ट करूँगा। तो जैसे कि मैंने पहले बताया हुआ था कि सबसे पहले अगर आप आई बना रहे हो तो साइज़ डिफाइन करनी है। उसके बाद आई जो आयरिस होगी उसको पहले आप कंप्लीट सर्कल बना लो। उसके बाद उसके अंदर का जो प्यूपिल होता है वो आपको बना लेना है, और जो कि आयरिस के साइज़ का हाफ होता है वो हमने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद रेफरेंस जो मैंने मेरे पास था उसके हिसाब से मैंने आउटलाइनिंग ड्रॉ कर दी। यहाँ पे फ्री हैंड आउटलाइनिंग ही ड्रॉ कर रहा हूँ। जो इस तरीके के जो फेशियल फीचर है, आई, नोज़ और लिप्स, इस तरीके से आप अलग अलग बना रहे हो तो यहाँ पे ग्रेड की ज़रूरत नहीं होती। प्रैक्टिस इसलिए हम करते हैं ताकि हमारी जो ऑब्जर्वेशन स्किल है ये अच्छी और इम्प्रूव हो सके। तो यहाँ पे ग्रेड की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे मैं फ्री हैंड आउटलाइनिंग बना लूँगा। उसके बाद मैं शेडिंग का स्टार्ट करता हूँ कि किस तरीके से मैंने यहाँ पे शेडिंग करी है। यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने मिक्स मीडिया यूज़ करा है, चारकोल, जो डार्क एरियाज़ हैं वहाँ पे चारकोल, और जो लाइट एरिया है, मिड टोन है, लाइट टोन है, वहाँ पे मैंने ग्रेफाइट यूज़ करा है। तो किस तरीके से मैंने यूज़ करा है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ओके, अब आते हैं शेडिंग वाले पोर्शन में। और यहाँ पर जो बीच वाला पोर्शन है, इस ये वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट डार्क एरिया है, तो इसको मैं डार्क कर लूँगा। और जो रेफरेंस पिक्चर है उसमें देख लो कि जहाँ पे डार्क एरिया है, कंप्लीट डार्क एरिया, वहाँ पे आप पेंसिल अप्लाई कर सकते हो, चारकोल सॉफ्ट पेंसिल, या अगर आपके पास कंप्रेस चारकोल है वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, या फिर आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। टेक्निक्स अलग अलग हो सकता है, हमें आउटपुट किस तरीके का चाहिए और वो जो टेक्निक आप यूज़ कर रहे हो उससे मिल पाएगा कि नहीं, ये आपको देख लेना। तो यहाँ पे मैं ज़्यादातर यही करता हूँ कि जो कंप्लीट डार्क एरिया होता है वहाँ पे मैं पेंसिल, या फिर अगर वो बड़ा एरिया है तो कंप्रेस चारकोल, और उसके आसपास के जो एरियाज़ हैं वहाँ पे मैं ब्लेंड करके, यही जो चारकोल का पार्ट अभी मैं इसको अगर ब्लेंड करूँगा तो यहाँ से पाउडर निकलेगा, उसको मैं आसपास के एरिया को मिड टोन देने के लिए यूज़ कर लूँगा।
बारी आती है हाईलाइट देने की। अब हाईलाइट बहुत इंपॉर्टेंट होता है खासकर चारकोल में, क्योंकि चारकोल से आप जब भी शेड करते हो तो बहुत ज़्यादा डार्क होता है, वहाँ पे हाईलाइट प्रोवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको जो शाइन है ड्राइंग के ऊपर और जो कॉन्ट्रास्ट है वो अच्छे तरीके से आप अचीव कर पाते हो। तो यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक इरेजर यूज़ कर रहा हूँ, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप वाइट चारकोल भी यूज़ कर सकते हो, मोनो जीरो इरेजर है वो भी यूज़ कर सकते हो, बट मोनो जीरो इरेजर ऐसे डार्क एरिया में यूज़ करना इतना आसान नहीं है। तो या तो आप इलेक्ट्रिक इरेजर अगर आपके पास वो यूज़ कर सकते हो या फिर आप वाइट जेल पेन भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने वैसे जहाँ पे ज़रूरत पड़ी इलेक्ट्रिक इरेजर की वहाँ पे मैंने कर दी, और जहाँ पे मुझे ज़रूरत था वाइट जेल पेन का यहाँ पर ड्रॉ करेंगे हम आईलेसेस। और आईलेसेस ड्रॉ करने का एक बहुत ही अच्छा सा टेक्निक है, इसको अगर आपने सीख लिया आपको पता चल गया तो आप कभी भी कहीं पे भी आई ड्रॉ करोगे ना आईलेसेस जो है बहुत अट्रैक्टिव लगेंगी। तो वो टेक्निक मैं बहुत जल्द शेयर करूँगा एक पर्टिकुलर वीडियो में, जिसमें मैं आईलेसेस के बारे में ही बात करूँगा, उसके नेचर किस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले तो आपको हार्ड चारकोल लेना है या फिर आप ग्रेफाइट पेंसिल भी ले सकते हो जो कि लाइट हो, और यहाँ पे जो डायरेक्शंस है वो अच्छे तरीके से आपको डिफाइन करने हैं, अभी बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, बस ये एक समझ लो कि आउटलाइन है, फर्स्ट लेयर है जहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ लाइंस आईलेसेस की। उसके बाद जब मुझे लगेगा कि हाँ ये लाइंस जो मैंने ड्रॉ करी हैं अच्छी है सही हैं अच्छी लग रही हैं, तो इसके ऊपर मैं डार्क पेंसिल अप्लाई करूँगा जो फाइनल आउटपुट होगा। ओके गाइस, तो आज की वीडियो में इतना ही, और आई होप आपको वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपको लगता है कि कोई पोर्शन रह गया है छूट गया है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, नेक्स्ट टाइम मैं उसको ट्राई करूँगा कि उसको भी इंक्लूड करूँ और डिटेल में बताऊँ। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।